एवरीवन, आपको पता है क्या, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसा कि हमें पता है कि हर बॉडी में, चाहे वो प्लांट्स की बॉडी रहें दो या ह्यूमंस की बॉडी रहें दो, दोनों बॉडीज के अंदर एक बहाव होना जरूरी है। यानी कि जो चीज़ वो ईट कर रहा है या चीज़ वो बाहर से ले रहा है, सपोज दिस ऑक्सीजन, तो वह हर बॉडी में जाना जरूरी है। ठीक है, अब ये हर बॉडी में जाना इसलिए जरूरी है कि एवरी बॉडी कंटेन दिस सेल, हर बॉडी में सेल होता है। ठीक है, जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि क्या, कि एक चीज को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाना, उसे ही ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन किसकी होंगी, आपको पता है, नेसेसरी चीज, जो जरूरी चीज है। जो जरूरी नहीं है उनकी ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, और जो जरूरी है उनकी ट्रांसपोर्टेशन 100% होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, यहाँ पर जो मेन चीज है वाटर, मिनरल्स एंड फूड, ये जो तीन चीज है, ये तीन चीज एवरी प्लांट्स को लगता है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये चीज तो लग रहे हैं, तो प्लांट्स को भी ये चीज लगेंगे। तो प्लांट्स को ये चीज लगेंगे तो कौन सा पार्ट है, या फिर कौन से जो टिश्यू है, ये प्लांट को क्या सप्लाई करते हैं, ये हमें इस वीडियो में देखना है। ठीक है, अगर आप चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियोस जैसा हम अपलोड करेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन आएगी। ठीक, तो ये चीज है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, दो अलग अलग टाइप्स के टिश्यू रहते हैं, एक है जाइलम टिश्यू एंड दूसरा है फ्लोएम टिश्यू। अब जाइलम टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज द जाइलम टिश्यू? जाइलम टिश्यू ये है कि उसका काम है, इट इज अ वस्कुलर टिश्यू, ओके, प्रेजेंट इन द प्लांट लीव्स। प्लांट के रूट सिस्टम से प्लांट के स्टेम तक वाटर, मिनरल्स को पहुंचाने का काम किसे रहता है, जाइलम का रहता है। जैसे कि हमें पता है लीफ है, लीफ में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लीफ, ओके, और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल पिगमेंट भी लीफ में है। अब क्लोरोफिल पिगमेंट का काम क्या रहता है, क्लोरोफिल पिगमेंट का काम रहता है फोटोसिंथेसिस करना, फूड को तैयार करना। ठीक है, लीफ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गई, लीफ ने क्या करा, अपना फूड तैयार कर दिया। लेकिन रूट का काम क्या है, अब जरूरी है ना कि अब जाइलम का काम क्या है, मेन काम क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम? जाइलम का मेन फंक्शन कुछ भी नहीं, जाइलम का फंक्शन है, अगर रूट है, सपोज प्लांट का रूट है, तो रूट से तो स्टेम तक वाटर्स, मिनरल्स को पहुंचाना काम रहता है जाइलम का। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? द फंक्शन ऑफ जाइलम इज द वाटर एंड मिनरल्स, ओके, फ्रॉम द लोअर साइड, और यू से दैट द फ्रॉम रूट टू स्टेम, सप्लाई ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, उसके बाद हम बोलेंगे ठीक है फूड तो नहीं, वाटर और मिनरल्स ही इसका काम रहता है सप्लाई करना। और अगर हार्मोन्स भी है, हार्मोन्स भी कभी औखत ये सप्लाई करता है, बट हार्मोन्स का जो मेन फंक्शन रहता है फ्लोएम के तरफ रहता है, हम आपको बताएं। ठीक, अब जो सेकंड है उसका नाम है फ्लोएम टिश्यू। सो व्हाट इज द फ्लोएम टिश्यू? फ्लोएम इज अ वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट। द फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम स्टेम टू लीव्स। अब ये बता रहा है कि इसका काम क्या है, फ्लोएम का मेन काम ये है कि ट्रांसपोर्ट करना, बट क्या करना, तो फूड मटेरियल। फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट क्यों करना, ट्रांसपोर्ट क्योंकि आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत रहती है, क्यों, ग्रोथ के लिए। अगर उसका ग्रोथ ही नहीं होगा, अगर वो बराबर से ग्रोथ नहीं होगी, तो क्या होगा, टिश्यू जो है, फ्लोएम टिश्यू का काम ही नहीं है ना, अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो टिश्यू का क्या काम है, टिश्यू का क्या वर्क है। ठीक है, तो फ्लोएम का काम क्या है, सप्लाई ऑफ फूड, फूड को सप्लाई करना। अगर वो फूड को बराबर सप्लाई कर रहा है स्टेम से तो लीव्स तक, तो समझ लेना उसका काम बराबर हो रहा है। ठीक, तो अब वो सप्लाई कर रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लूकोज भी बाद में कन्वर्ट हो जाता है में सुक्रोज में, यू नो दैट सुक्रोज इज आल्सो वन पार्ट ऑफ द ग्लूकोज। अब ये चीज हो गई, हमने यहां पर डिस्कस कर दिए कि इसका काम क्या रहता है, फ्लोएम का काम फूड को सप्लाई करना, कहां से, स्टेम से लीव्स तक। और उसके बाद स्टेम में फ्लोएम का और एक काम है कि फ्लोएम का हार्मोन्स को भी सप्लाई करता है। उसके बाद विटामिन्स, प्रोटीन्स, फूड मटेरियल, जितने अमीनो एसिड, ये सब का काम क्या रहता है, फ्लोएम ने लिया हुआ है। तो फ्लोएम का सिंपली आप बोल सकते हैं कि द फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज सप्लाई ऑफ फूड फ्रॉम स्टेम टू लीव्स। और उसका पॉइंट जो दूसरा और एक पॉइंट से हम बोल सकते हैं कि ये बाय डायरेक्शनल है। बाय डायरेक्शनल यानी क्या, ये दोनों डायरेक्शन में जाती है, अपवर्ड डाउनवर्ड।
दोनों डायरेक्शन में सप्लाई करेगी फूड, एनी फूड मटेरियल्स सप्लाइज, तो सो ही कॉल्ड एज बाय डायरेक्शनल, तो इसे बाय डायरेक्शनल कहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद फ्लोएम कॉल्ड एज बाय डायरेक्शनल बिकॉज इट्स मूवमेंट अपवर्ड टू डाउनवर्ड्स ऑकर्स। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि स्टेम में, यहाँ टिप ऑफ स्टेम से ये क्या करेगा, ग्लूकोज या शुगर का सॉल्यूशन है ये लीव्स तक पहुंचाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर सीव ट्यूब्स जो रहते हैं, सीव ट्यूब्स ये कहाँ पर रहते हैं, ये प्लांट्स में रहते हैं, ठीक है। प्लांट्स के टिश्यू है सीव ट्यूब्स, सेल्स है सॉरी। तो ये चीज जो है हमने समझ लिए कि जाइलम एक टिश्यू है और फ्लोएम एक टिश्यू है। क्या काम है, जाइलम का काम है वाटर मिनरल्स को रूट से स्टेम तक पहुंचाना, और उसके बाद फ्लोएम का काम है, जैसा कि हमने बोले फ्लोएम का काम क्या है, फूड को स्टेम से लीव्स तक पहुंचाना। शुक्रिया बहुत बहुत। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।